2 महीने पहले हमने IEX की एनालिसिस की थी, प्राइस अराउंड 152 रुपीज का था। हमने बोला था ये वीकली चार्ट पे एक ABC करेक्शन मार रहा है और ये एक एक्सपेंडिंग फ्लैट है, और यहाँ से प्राइस एक बार नीचे फॉल करेगी और इस पॉइंट के नीचे जाएगी जो है 134 का। नेक्स्ट अपडेट जब ये हो चुका था ऑलरेडी, ये जो फॉल हमने प्रिडिक्ट किया था ये हुआ था, ये हमने शेयर किया था 1 महीने पहले, और हमने बोला था कि अब जो ये फॉल आया है इसके बाद यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा और फिर उसके बाद एक और फॉल आएगा। अगर आप अभी का चार्ट देखें, मैं डेली चार्ट में एक बार आ जाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कि एक करेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा, रेंज में स्टॉक रहेगा, अभी का जो प्राइस एक्शन है वो एक रेंज में रह रहा है और यही हमने प्रिडिक्ट किया था हमने। और यहाँ से जो 150 लेवल से कंटिन्यूसली इसमें प्रेडिक्शंस किए और ये उसी सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन बना रहा है। तो आज हम बात करेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अगर हम पहले एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, हमने ये पहले भी बताया है, एक बार वेव एनालिसिस करते हम इसका, तो हम इसको एलियट वेव में, इसमें अगर आप देखें प्राइस ABC करेक्शन से गिर रहा था, जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनको हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था। जब ये प्राइस अराउंड 190 का था तब हमने बोला था इसमें आप इन्वेस्ट मत करना क्योंकि ये ओवरऑल एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है जो कुछ सालों तक कोई रिटर्न नहीं देगा, पर आप देख सकते हैं अराउंड अगले 2 साल तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, ये आधा हो चुका है अपने प्राइस से। इसका रीजन है कि जो एक लॉन्ग टर्म वीकली ट्रेंड लाइन थी वो स्टॉक ने ब्रेक कर दी थी और उसके बाद यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर हो रहा है। ऑल्दो अब कुछ टाइम के बाद इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस आने लगा है। ये डाइवर्जेंस जब भी चार्ट मानता है तो एक अपोजिट ट्रेंड का मूव इसमें आएगा और उसी टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। अभी जब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा और फिर फॉल आएगा, तो अगर आप अभी चार्ट देखें, एक बार मैं इसको दिखाता हूँ, तो इसको हम डेली चार्ट में देखते हैं सी वेव कैसे जा रही है। तो आप देख सकते हैं सी वेव में भी एक इम्पल्स लगी थी, इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, यहाँ तक एक इम्पल्स लगी थी और उसके बाद एक करेक्शन हो रही है। अब ये करेक्शन में भी हम 3 पार्ट्स देख रहे हैं, ये हमारी ए वेव है उस करेक्शन की, ये मे बी हमारी बी वेव है और ये जो अभी हो रही है मे बी ये सी वेव है। और इस करेक्शन के बाद, इस फॉल के बाद यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से प्राइस नीचे आ जाएगी और मे बी इस लो को एक बार टैग करेगी या इस एरिया में आ सकती है, और उस टाइम यहाँ चार्ट में एक डाइवर्जेंस होगा और जब ये होगा तब इसमें इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हैं। अगर हम इसको अब हम थोड़े 1 आवर में इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या केसेस थे। ऑल्दो हम इसकी शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी रेगुलरली करते हैं और उसमें आपको अपडेट करते हैं कि प्राइस अभी शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हम 5 मिनट के चार्ट के एनालिसिस करके बताते हैं आपको। बट हम जैसे हम यहाँ से अगर आप देखें तो इस जो ये प्राइस सेक्शन था, पहले हमें ए वेव मिली थी, उसके बाद नेक्स्ट वेव जो होती है वो बी वेव होती है, वो डाउन साइड की होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस एरिया में, इस एरिया की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी और फिर यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल आया था। अब इस बी वेव को भी इंटरनली अगर आप डिवाइड करें, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस बी वेव में भी पहले आप देख सकते हैं एक पार्ट ये वाला है और इस जो ये पार्ट है उसके बाद आपको यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला, फिर एक और एक फॉल मिला, फिर उसके बाद आपको एक बड़ा करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला और फिर से एक फॉल मिला। तो इसको अगर हम लेबल करें ABC में, तो ये आपका ए वेव था, फिर ये आपका बी वेव था और फिर ये आपका सी वेव था, और ये बी के इंटरनल्स हैं। अब इस ए वेव को भी आप डिवाइड कर सकते हैं इंटरनली ABC, बट हम अभी वो नहीं कर रहे। और इस जो ABC ये लेबलिंग है ये इंटरनल है बी वेव के। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अप मूव आया है, अब इस अप मूव को हम डिवाइड कर लेते हैं, हम 15 मिनट में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करें, तो यहाँ से हमने ऑलरेडी यहाँ अपसाइड का एंटिसिपेशन किया था। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें भी एक पहली वेव लगी, फिर आपकी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वेव लगी, इन दो वेव्स के बीच में यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो ये नेक्स्ट सी वेव जो अपसाइड की होती है वो चालू हो गई थी। और यहाँ पे भी अगर आप एक बार मैं इस
प्राइस सेक्शन को देखूं जो ये हमें लगा है 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको ये जो रिड्रेसमेंट हुई है ये इस एरिया में है। अभी भी हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मे भी थोड़ा डाउन आके एक बार अपसेट जाने के चांसेस है जो नेसेसरी नहीं है। ये ओवरऑल हमारी सी वेव चल रही है, मे बी यहाँ थोड़ा करेक्शन देके एक बार और अपसेट देगा और इस पॉइंट को जो है 133 को भी ब्रेक कर सकता है। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट व्यू है वो है कि ये जैसे ही यहाँ पूरा हो जाता है सी वेव, फिर एक फॉल आएगा और इस एरिया में भी आपको एक फॉल मिलेगा इसको जो इसको ब्रेक कर सकता है। वो हम आगे अपडेट करेंगे कि ऐसा हो रहा है या यहीं से कुछ रिवर्सल आ गया, मे बी कल को ये मोमेंटम पकड़ के इस एरिया के ऊपर निकल जाए तो वो एक अलग केस हो जाता है। बट अभी भी ये जो मूव है वो एक रेंज बाउंड मूव लग रहा है हमें, पर हमने यही बोला था कि यहाँ रेंज बाउंड मूव आएगा तो अभी भी ये करेक्ट मूव ही लग रहा है और यहाँ पे अभी भी और फॉल बन सकता है। तो अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें और थोड़ा और गिरता है तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं और ये आपको क्विकली ये आपको ये एरिया के ऊपर वापस मिलेगा और फिर यहाँ पे कुछ आपको अच्छा 40-50% रिटर्न मिल सकता है। तो ये थी IEX की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।